पापा मुझे रेलवे का फॉर्म भरना है, 500 रुपये की जरूरत है, कल ही लास्ट डेट है। अभी तो मेरे पास 500 रुपया नहीं है, लेकिन जब रेलवे का फॉर्म भरना है तो मैं मालिक से लेके तुमको एडवांस में शाम तक दे दूंगा। ठीक है, शाम तक दे दीजिएगा, कल ही लास्ट डेट है। ठीक है, मन लगा के पढ़ो, हम दे देंगे तुमको। मालिक, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। क्या बात? मुझे 500 रुपया की जरूरत है मालिक, मेरा बेटा का एग्जाम है। तुम तो हर बार ही मुझसे पैसे एडवांस में लेकर के जा रहे हो। इस बार दे दीजिए मालिक, मेरा बेटा का एग्जाम छूट जाएगा मालिक। चलो इस बार दिया, आइंदा से कभी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मनोज चल जल्दी चल, एग्जाम लेट हो रही है। हाँ रे, हाँ रे, आ रहे आ रहे। अरे यार जल्दी चल, लेट हो रहा है। तो पापा आता हूँ। ठीक, बढ़िया से एग्जाम देना, मन लगा। हाँ ठीक है, बढ़िया से मन लगा एग्जाम देना। ठीक। भैया एक सिगरेट दीजिए। लो भाई। कौन सिगरेट दे रहे हैं जी? बड़ा वाला दीजिए, बड़ा वाला। हाँ। अरे वो जमाना अब नहीं रहा, बड़ा वाला दीजिए। बड़ा साइज नहीं पहचान रहे हैं आप हमको? सॉरी भाई, सॉरी। ठीक है। हाँ माची जी। ये लीजिए होटल का ये बिल, खाने का 500 रुपये, ये आपका टिप्स। अरे 500? अरे जाने देना, बहुत पैसा यार, ले जाइए। ठीक है, चल चल। हाँ बेबी। हेलो। हाँ हाँ बेबी, कैसे हो, कहाँ हो? बस घर पर काम कर रहा था। बोल क्या बोल रहे? हाँ बोल रही थी कि ना मेरा ये जो फोन है ना, ये खराब हो गया है, मुझे ना एक नया फोन चाहिए। अच्छा, न्यू फोन चाहिए, कौन सा लगेगा? हाँ, वही आईफोन 11 जो अभी अभी लॉन्च हुआ ना, वही वाला। प्लीज प्लीज प्लीज, वो जो 1 लाख वाला फोन लॉन्च हुआ वो। हाँ 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 हाँ, प्लीज प्लीज वही वाला चाहिए। ठीक है ठीक है, शाम को दिलाता हूँ, टेंशन मत ले, पैसे की कमी नहीं। ओके बेबी, शाम को मिल जाए। बाय। फिर 100 रुपए यहाँ पर से मेरा गायब है, इसका रोज रोज का एकदम नौटंकी हो गया सर। पापा पापा इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। आपने फिर से मेरे पर्स से 100 रुपए पैसे निकाले हैं? हाँ मैडम, दवाई लेना था इसीलिए निकाले हैं। क्या करते हो आप ये बार बार, बिना मतलब का एकदम बिना बोले फिर आप पैसे निकाल लेते हो पर्स से मेरा बार बार? पैसे इतने आसानी से नहीं आते हैं, मेहनत से पैसे आते हैं, आपको समझ में थोड़ी आएगा ना कुछ? वो मेरा बुखार हो गया सर बेटा, नहीं नहीं गलती हो गई। ठीक है, आइंदा से छुइएगा नहीं मेरा पर्स एकदम। तब सब कुछ ठीक है ना? हाँ अभी तो चलो, कॉलेज में तो बहुत मजा है। क्या हुआ बे, इतना गुस्सा में क्या है तुम? अरे यार मत पूछ, बार बार एक ही तरह का ना बाप का नौटंकी लगा हुआ, पता है? 100 रुपया सुबह सुबह पैसा निकाल लिया, बता पर्स रोज रोज एकदम नौटंकी लगा, उसको घंटा समझ में आता है पैसा कहाँ से आता है? साला एकदम माथा खराब करके रखे है, क्या बोले अब तुम लोग को। वाह रे बेटा, वाह वाह वाह, क्या गजब का काम किया तुमने। साले तुम्हारे पास महंगे सिगरेट पीने के पैसे हैं, तुम बेटर को टिप्स दे सकते हो 500 रुपया, तुम गर्लफ्रेंड को आईफोन डोनेट कर सकते हो, लेकिन तुम्हारा बाप अगर पॉकेट से निकाल लेता 100 रुपया, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा पंगा हो जाता है। साला वो दिन तुमने भुला गया जब तुम्हारा बाप मालिक से 500 रुपया उधारी लेकर और तुम्हारा रेलवे का फॉर्म भरा था, है ना? और वो दिन भी तुमने भुला गया, और ये औकात मत भूल तुम अपना, तुम अपना औकात मत भूल। ये जो शानो शौकत दिखा रहे हो ना बेटा, तुम ये समझ लेना कि ये तुम्हारे बाप कप प्लेट धोकर होटल में मेहनत करके और खून पसीना बहा कर और तुम्हारा ये शानो शौकत बना कर रखा है, समझो?
दुनिया ठीक ही कहता है, जब जब कोई बच्चा रोता है ना तो पूरे मोहल्ले को पता चलता है, लेकिन सारा माँ बाप का दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। जब माँ बाप रोता है ना तो बगल वाले को भी पता नहीं चलता। अगर तुम्हारे अंदर में जरा सा भी शर्म नाम की चीज है तो जा और अपने बाप से माफी मांग। साले जो अपना बाप का नहीं हो सकता वो हम लोग का फ्रेंड्स का क्या होगा। तू आज से सारा रिश्ता खत्म, आज से तू अपना ट्रैक और हम लोग अपना ट्रैक। चल बासु चल। मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया आपको, मैंने आज सुबह 100 रुपए के लिए क्या क्या नहीं बोल दिया, जबकि आपने मेरे लिए क्या नहीं किया। आज मैं जो कुछ हूँ आपके वजह से, आपने इतना मेहनत करके मुझे पढ़ाया लिखाया, लेकिन आज मैंने आपको 100 रुपए के लिए इतना कुछ सुना दिया। मुझे माफ कर दीजिए पापा, बहुत बड़ा गलती हो गया। नहीं रोते पैसा आता नहीं इंसान के पास, अच्छा माफी मांगता हूँ पापा, सॉरी।